हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना सेटअप, कि मैं किस तरीके से वीडियोस को शूट करता हूँ, मैं कहाँ पर ड्राइंग बनाता हूँ, वो मैं आज आपको कम्प्लीटली दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप भी कुछ इस तरीके से सेटअप तैयार कर सकते हो अपना, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बन जाएंगी आपकी, आप काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर पाओगे, आपकी क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सिनेमेटिक शॉट से। सो हे गाइस, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको मेरा सेटअप। मैं अपनी सारी डेली ड्राइंग की वीडियोस एंड ड्राइंग को ड्रॉ यहीं पे करता हूँ, आप देख सकते हो। ये है मेरा मोबाइल स्टैंड, जो कि है एक बैडमिंटन, जिसको मैंने स्टेबल कर रखा है कुछ बुक्स के नीचे, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं रखता हूँ अपने मोबाइल को, जो कि आप देख सकते हो वीडियो शूट हो रही है। ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो, या ऐसे रुक जाता है। इस तरीके से मेरी वीडियो शूट हो जाती है ड्राइंग की। एंड गाइस, बात करें तो लाइट की, तो जो कि ये है, इससे मुझे काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को ड्राइंग की क्वालिटी मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइट आ रही है। इसको ही मैंने स्टेबल कर रखा है दो खाली बॉक्सेस से, जो कि आप देख सकते हो। एंड बगल में इसके स्विच है। एंड गाइस, ये टेबल जो कि जिस पर मैं अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करता हूँ, इस पर मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील होकर ड्रॉ कर लेता हूँ। प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला 500 रुपीज़ में। एंड ये नॉर्मल सी चेयर, टेबल की राइट साइड पे मैंने एक बॉक्स वगैरह रखा है, जिसमें मैं पेंसिल को साफ करता हूँ, सारा डस्ट इसमें इकट्ठा होता है। एंड लेफ्ट साइड में जो मेरे डेली यूजेस के मटेरियल्स हैं, वो मैं इसमें रखता हूँ। और वहाँ एक फिक्सेटिव रखा हुआ है, और मेरा एक बेंच स्टैंड है, और एक फ्लावर पॉट है। सेटअप को अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़ी यहाँ पर पेंटिंग्स लगा रखी हैं, काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं जो कि मैंने ड्रॉ की थी, कुछ ऊपर भी हैं। एंड गाइस, बात करें फेस कैम वीडियो शूट की, तो मैं वो करता हूँ यहाँ पर। ये जो लोहे की तार है, इसी में मैं अपने फ़ोन को सेट करता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ये रहा फ़ोन, जो कि कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है। ये आप देख सकते हो। इतना करने के बाद मैं इस कूलर को यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पर चेयर पे आपको इस वाले एंगल से मेरी वीडियोस मिलती होगी फेस कैम की। सो इस तरीके से मैं अपना फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ। एंड गाइस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि मैं इससे पहले कैसे वीडियो शूट करता था। उसमें क्या है कि ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम था, ये इस साइड को घूम जाता था इस तरफ, और मैं वहाँ पीछे बैठ कर यहाँ पर ड्राइंग किया करता था। इसका छोड़ने का रीज़न मेरा ये है कि ये बैंड हो चुका है, ये बिल्कुल काम का नहीं है, तो इससे मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तब जाके मैंने वो न्यू सेटअप तैयार किया अपना। इसके नीचे एक टेबल है, स्टूल बहुत ज़्यादा हिलने लग गया था, मैं इस पर बिल्कुल भी ड्राइंग को ड्रॉ नहीं कर पाता था। एंड मेरे जस्ट बैक साइड में एक छोटी सी मंदिर है। कुछ इसी तरीके का मेरा सेटअप है, जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया, जैसे मैं ड्रॉ करता था, जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो को शूट करता था। और एक बात गाइस, मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इसकी वजह से, क्योंकि ये कूलर यहाँ से हटने वाला है, और मैं अपनी फिर वीडियोस को शूट नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। आगे जो भी मैं करने वाला हूँ इसके बाद, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा।
तब तक के लिए वीडियोस काफ़ी लेट में आने वाली हैं, देखते हैं मैं क्या करता हूँ। सो जितना भी था मेरे सेटअप में मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है। सो हे गाइस, मैंने अपना कंप्लीट सेटअप आपको दिखा दिया है, मैं किस तरीके से ड्राइंग करता हूँ और कैसे पहले करता था, एंड मैं अभी न्यू स्टैंड लेने वाला हूँ, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सो आपको अगर मेरा सेटअप पसंद आया हो, आप कुछ उसमें यूज़फुल लगाओ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।